की खबर, बड़ी खबर हनीप्रीत को लेकर। हनीप्रीत आजाद हो गई है जेल से। ऑर्डर की कॉपी पहुंचने के बाद हनीप्रीत को जेल से रिहा कर दिया गया है। पंचकुला कोर्ट ने आज ही हनीप्रीत को राहत दी थी, जमानत दी थी, और अब जेल से छूट गई हनीप्रीत। ऑर्डर की कॉपी पहुंची और उसके बाद हनीप्रीत को जेल से रिहा कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की करीबी हनीप्रीत को सीजीएम कोर्ट से आज जमानत मिली, और जमानत मिलने के बाद अब जेल से रिहाई भी हो चुकी है। पंचकुला की सीजीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अक्टूबर 2017 से अंबाला जेल में बंद है हनीप्रीत, और अब अंबाला जेल से बाहर आ चुकी है, सलाखों से बाहर आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, हनीप्रीत पर दंगा भड़काने का आरोप पुलिस ने लगाया था, और तब 38 दिन बाद पंजाब से हनीप्रीत की गिरफ्तारी हुई थी। अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीडीएम का रुख करते हैं। अमन, करीब करीब दो साल बाद हनीप्रीत अब जेल से बाहर। हाँ बिल्कुल, करीब दो साल हो चुके हैं हनीप्रीत को अंबाला जेल में बंद थी, और आज जो हमें पंचकूला की कोर्ट से रिहाई जो है जमानत मिल गई थी, उसके बाद अभी कुछ मिनट पहले ही हनीप्रीत को अंबाला जेल से रिहाई भी मिल गई। उनके परिजन यहाँ पहुंचे थे, तो जो है उनके कागजात जो सबमिट किए, उसके बाद हनीप्रीत को जो है रिहाई मिल चुकी है, और अंबाला से हनीप्रीत रवाना हो चुके। काफी बड़ा काफिला हनीप्रीत के स्वागत के लिए खड़ा था, उनके परिजन थे वो मौजूद रहे, तो हनीप्रीत को लेकर वो अंबाला से रवाना हो चुके हैं। और अमन, हनीप्रीत को राहत मिलेगी इसकी तस्वीर 2 तारीख से ही साफ होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि तब जो है देशद्रोह की धारा हटा दी थी कोर्ट ने। अब बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले ही कोर्ट की तरफ से जो मुख्य धारा थी देशद्रोह की, उसको जो है हटा दिया गया था, क्योंकि ग्राउंड जो है अच्छा नहीं बना पाया था, शायद जो एसआईटी जांच करी थी, तो उसके चलते जो हनीप्रीत को राहत मिली थी, और ये मुख्य धारा थी जो देशद्रोह की वो हटा ली गई थी, जिसके बाद कल जमानत अर्जी लगाई गई थी हनीप्रीत की, और आज कोर्ट ने इस पर जो है मानते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, हनीप्रीत को राहत देते हुए आज जो है उनकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया, जिसके बाद उनको रिहाई दे दी गई है। ठीक है, आप अमन हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आते हैं। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर हनीप्रीत और राम रहीम की। हनीप्रीत राम रहीम की बेहद करीबी, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख, लेकिन दोनों जेल में बंद। फिलहाल अब जेल से बाहर आ चुकी है हनीप्रीत, और अंबाला जेल से रिहाई हो चुकी है। आज सीजीएम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। राम रहीम अभी भी अंदर है। अमन कपूर हमारे साथ बने हुए हैं। अमन कपूर, तब ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था, राम रहीम अभी भी जेल में, हनीप्रीत जेल से बाहर। हाँ बिल्कुल, देखिए 2 साल पहले जब ये मामला सुर्खियों में आया था, बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था, जब बाबा को जेल हुई थी तो काफी हंगामा जो है पंचकूला के अंदर हुआ था, जो काफी उग्र जो है उनका प्रदर्शन हो चुका था, उसमें जो है हनीप्रीत को भी करीब 1 महीने के बाद जो है गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कई अभी एक आरोपी जो हरीश चंद था, वो अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनके लिए जो पुलिस है हरियाणा पुलिस, वो लगातार कोशिशें कर रही। तो अब जो है बाबा जेल में है, उनको लेकर भी काफी कोशिशें पिछले दिनों से की गई, उनकी जो है रिहाई हो जाए, उनको जमानत मिल जाए, लेकिन कई ग्राउंड बनाए गए, लेकिन कोई भी ग्राउंड जो है कोर्ट में स्वीकार नहीं हो पाया, और उनको जेल नहीं मिल पाई। तो अभी जो है डेरे के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि 2 साल बाद उनके लिए अच्छी खबर आई कि हनीप्रीत को जो है। अमन, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि हनीप्रीत जब जेल से बाहर निकली, तो एक तो बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, दूसरा क्या हनीप्रीत ने जेल से बाहर आकर कुछ कहा क्या? देखिए हनीप्रीत काफी खुश कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी, और राहत महसूस करती हुई दिखाई दे रही थी। हनीप्रीत जब जेल से निकली तो उनके परिवार के लोग उनके वहां पहले ही एक गाड़ी लगाकर खड़े थे। जैसे ही वो हनीप्रीत गाड़ी में बैठी, उन्हें बीच में जो है बिठाया गया था, पीले रंग का सूट हनीप्रीत ने पहना हुआ था, तो पूरी सिक्योरिटी अंबाला जेल की तरफ से भी उन्हें प्रोवाइड करवाई गई थी कि किसी तरीके की कोई कोताही ना हो। और ठीक है अमर, मैं आपके पास आता हूँ, आपके पास आता हूँ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है हनीप्रीत की जेल से बाहर निकलने के बाद, पहली तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वहां पर उसके परिजन और कुछ और सगे संबंधी वहां पर हनीप्रीत को लेने के लिए पहुंचे हुए थे अंबाला जेल के बाहर। गाड़ियों का जो काफिला देख रहे हैं, पास आता हूं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हनीप्रीत की जेल से बाहर निकलने के बाद, पहली तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वहां पर उसके परिजन और कुछ और सगे संबंधी वहां पर हनीप्रीत को लेने के लिए पहुंचे हुए थे अंबाला जेल के बाहर। गाड़ियों का जो काफिला देख रहे हैं, ये दरअसल इसमें लोग थे जो हनीप्रीत को लेने पहुंचे हुए थे, उनके सगे संबंधी, जैसा कि अमन बता रहे हैं। और ये पहली तस्वीर है, करीब 2 साल तक जेल में बंद रही हनीप्रीत, और अब अक्टूबर 2017 से अंबाला जेल में बंद थी, और अब जेल से बाहर आई है हनीप्रीत जमानत मिलने के बाद। सीजीएम कोर्ट ने आज जमानत दे दी और राहत मिलेगी हनीप्रीत को। यह तस्वीर 2 नवंबर से साफ होने लगी थी, जब कोर्ट ने देशद्रोह की धारा को हटा दिया था, देशद्रोह की धारा से मुक्त कर दिया था हनीप्रीत को। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गाड़ी में पीछे की सीट पर हनीप्रीत बैठी हुई है, और शीशे के जरिए जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है लाल घेरे के अंदर, वो हनीप्रीत है। पंचकुला दंगों में दर्ज एफआईआर में हनीप्रीत को जमानत मिल गई है। पिछली सुनवाई में यानी 2 तारीख को
कोर्ट ने देशद्रोह की धारा हटा दी थी हनीप्रीत पर से। हनीप्रीत की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी और इसी पेशी के दौरान आज राहत मिली। पंचकुला हिंसा के बाद 38 दिन बाद पुलिस के हाथ आई थी हनीप्रीत और तब पंजाब से गिरफ्तारी हुई थी हनीप्रीत की। पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने हनीप्रीत को पंजाब से पकड़ा है। पंचकुला दंगे मामले में हनीप्रीत को आखिरकार आज 2 साल बाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, इस वक्त की बड़ी खबर। और जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब 1200 पेज की चार्जशीट सौंपी थी पुलिस ने, और जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी हनीप्रीत के अलावा उसमें उसकी साथी सुखदीप कौर थी, राकेश कुमार अरोड़ा, सुरेंद्र धीमान इंसा, चमकौर सिंह, धान सिंह, गोविंद राम, प्रदीप गोयल इंसा और खैराती लाल पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए थे। 38 दिन बाद गिरफ्तारी हुई थी पंजाब से। और अब अक्टूबर 2017 के बाद आज नवंबर 2019 में हनीप्रीत अंबाला जेल से बाहर है।